रहे हैं हशाश को साफ करने का तरीका, ठीक है। और मैं आपकी शेफ हसन जी, आपके लिए हमेशा से अच्छी अच्छी और आसान रेसिपी। तो आज मैं आपको इसको साफ करने का तरीका बता रही हूँ, क्योंकि बहुत बारीक सी चीज़ होती है, लोग परेशान होते हैं इसे साफ कैसे करें। कितना भी आप इसे वैसे साफ कर लें, छान लें या करें, मिट्टी फिर भी रह जाती है। तो आज मैं जो तरीका बता रही हूँ वो आपको के लिए बहुत काम आती है, आसान तरीके से करना बताती हूँ। भले थोड़ा सा उसमें टाइम लग जाता है किस कुछ चीज़ों में, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि बिगनर्स और जो नए बच्चे हैं वो ज़रूर इसे फ़ायदा उठाएं। तो आई होप कि आपको पसंद आएगी। जी नाज़रीन, हम खशखाश धो रहे हैं और ये आपको देख सकते हैं कि मैंने 100 ग्राम मेरे पास खशखाश है जो मैंने ओवरनाइट सोक कर दी थी। अब मैं से आपको धोने का तरीका बताती हूँ। और ये एक बारीक छन्नी लें, चाय की छन्नी सबसे बेस्ट रहती है क्योंकि बिल्कुल बारीक होती है। अभी आप देख सकते हैं इसको तो मैं आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें मज़ीद पानी डालूंगी। अब ये आप देख सकते हैं कि ये जो काला काला जो जमा हो रहा है ये सब जो है ये इसमें से हमने निकाल देना है। तो थोड़ा सा हम हिलाएंगे और फिर हम इसको दोबारा, ये अब मैं आपको इसमें दिखाती हूँ, ये जो नीचे दे आप ये देख सकते हैं स्पेशली ये जितना है और इसमें मिट्टी भी है, तो ये जो है ये सब हमें साफ करना है। हम आहिस्ता आहिस्ता जब ऊपर से खशखाश उतारते जाएंगे, इसमें से निकालते जाएंगे, जो कॉमन हमारे यहाँ वर्ड कहते हैं निथार लेंगे, तो उसके बाद नीचे जो बचेगा उसमें हमें मिट्टी जो है हमारे उसमें आ जाएगी। थोड़ा इसको हिला लें ऊपर की ताकि इसमें से आराम से सब आ सके। ये देखें ऐसे करके नीचे जो है यहाँ पर सब मिट्टी है मौजूद। बिल्कुल जब आखिर आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। अगर आप इसको सिर्फ ऐसे ही इस्तेमाल कर लेते हैं तो जो आप जो भी डिश आप बना रहे हैं जिसमें आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये किचर किचर आती है मुंह में बहुत ज़्यादा। वो जो मैं आपको दिखा रही थी काला काला वो सब नीचे बैठ चुका है और अभी जब बिल्कुल एंड आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये, क्योंकि वो आखिर में नीचे चला जाता है। ये देख रहे हैं अब आपको देख अब इस वक्त आपको नज़र आएगी कितनी मिट्टी इसमें नीचे बैठी हुई है, देख सकते हैं। ये देखें थोड़ा सा शेक किया फिर आप ये निकालें, ये देख सकते हैं आप किस कदर मिट्टी थी जो सब नीचे बैठ चुकी है। ये देखें देख सकते हैं, ये अगर आप इसके साथ पका लेते तो ये जो है अब ये थ्रो हो जाएगी और हमारी जो खशकाश है वो धुल के बिल्कुल साफ हो गई है, देख सकते हैं। अब इसको अगर आपको ऐसे ही इस्तेमाल करना है तो सही है, अदरवाइज़ पूरी इस्तेमाल करनी है। अदरवाइज़ मैं इसको एक पेपर जो किचन टॉवल होता है उसके ऊपर फैला के और इसको खुश कर लूँगी। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखें ये हमने अच्छी तरह धो ली है खशखाश, और अब हम इसको एक थाली में डबल टावल डाल फैला कर उसके ऊपर को टावल पे फैला रहे हैं। अगर आपको जल्दी है तो आप इसे धूप में रख दें, तेज धूप में, तो ये 1-1.5 घंटे में सूख जाएगी। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे अच्छी तरह फैला के हवा में रखें ओवरनाइट, तो ये जो है आराम से सूख जाएगी। और फिर आप जब ये सूख जाए तो आप इसे बॉटल में भर के रख दें, और फिर आपको जब भी कोफ्ते या शामी कबाब वगैरह बनाने हैं तो आप उसमें आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। काश की बहुत सी चीज़ें बनती हैं, मुख्तलिफ जो सालन है जैसे बिहारी कबाब है, स्पेशली कोफ्ते हैं,
इनमें का ये लाजमी हिस्सा होते हैं। और अगर इसमें थोड़ी सी भी जो है जिसे कहते हैं कड़कड़ाहट आ जाए, कंकर आ जाए, तो सारा खाने का मतलब खराब हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज में बगैर किसी आपका कुछ खर्चा हुए हुए आप तक पहुंचाती हूँ। आप लोगों की हौसला अफजाई की मुझे शदीद ज़रूरत है। आप लोग जब मुझे कमेंट्स करके आते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं, तो मेरा और दिल चाहता है कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाऊं मेरे चैनल पे। और भी बहुत मज़े मज़े की रेसिपी आ रही हैं। खुशखास से ही मुतालिक मैं दो रेसिपीज़ इंशाल्लाह लेके आऊँगी। वो आप लोग इंजॉय कीजिएगा।